मैं लाहौर से, मेरा ताल्लुक है और जॉब कर रही थी। फिलहाल मुझे ट्रांस पब्लिक लोगों की वजह से फायर कर दिया गया और फिलहाल मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कर रही हूं। ग्रेजुएशन की तरफ तो लाइफ का सुकून है कि जिस तरह कॉलेज वालों को मुश्किल देखी जाती है, घर में भी बाहर भी, क्या जिंदगी ऐसी गुजरी जाती है? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा से अच्छी गुजरी है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बड़ा तंग कर दिया गया मेरे लिए। मेरी जॉब का चले जाना मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा था और जो अभी इस वक्त मेरे साथ मामला पेश आए हैं, जैसे कि मेरे बालों को काटा गया और मेरे साथ जो तशद्दुद किया गया इस ट्रांसफोबिक लोगों की वजह से, जो कि मेरी इवेंट को, मेरी बर्थडे इवेंट को मेरी शादी तसव्वुर करके उन्होंने मेरे साथ किया, मौलवी हजरात ने हमारे, और ये प्रोपेगेंडा जो हमारे ट्रांस के खिलाफ फैलाया जा रहा है उस पर मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। और लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहिम्मत हूँ, मुझे मेरे घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है, मेरी ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से मुझे सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं। अच्छा, दिखने में बिल्कुल भी ख्वाजासरा नहीं लगती है, लड़की लगती है, आवाज भी आपकी ख्वाजासरा जैसी नहीं है। क्या कोई शादीशुदी की कोई प्रपोज वगैरह भी करता होगा? इसके सबके वाकयात भी तो होंगे आपके साथ? नहीं, लोग समझते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली लोगों को पता चल जाता है कि यार, मतलब लोग समझ जाते हैं कि मेरी ट्रांस ही है, लेकिन हाँ, लेकिन हूँ, लगती तो मैं लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं पाता। और मैं समझती हूँ एक अकलमंद इंसान जरूर समझ जाता है कि मैं ट्रांसजेंडर ख्वाजा से रहा हूँ। अच्छा, लॉ के बारे से बताइए कि जो लॉ के बड़ा शोरगुल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ख्वाजासरा शादी भी करना चाहते हैं और हम जिस परस्ती को फ्रोक मिल रहा है, आप थोड़ा सा क्लियर कर दें क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस परस्ती को जो रंग देने की कोशिश की जा रही है ना, आप हम जिस परस्ती कहते हैं सेम जेंडर, हमने कोई एक जेंडर नहीं मांगा, हमारे साथ मेल या फीमेल आईडी कार्ड पे नहीं लग रहा, एक्स लग रहा है, ठीक है? तो उसमें कैसे कोई पाकिस्तानी कानून हमें इजाजत दे सकता है किसी एक्स जेंडर को कि वो शादी कर ले? एक मेल की और फीमेल की शादी ना सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि शरई तौर पर भी जाए, लेकिन इस तरह से ये जो एक्स के साथ मामला है, हमें कोई शादी का कानून नहीं चाहिए, हमें बेसिकली हमारे ह्यूमन राइट्स चाहिए जो हमसे छीन गए। कोई भी कभी भी आकर कुछ भी कर जाता है, सिर्फ भीख मांगते हुए आपको ट्रांस मेरी कम्युनिटी नजर आती है, नॉर्मली पैसा वाले तबका है, और मैं उसके लिए आज खड़ी हूँ। हालांकि इतना कुछ मेरे साथ हुआ जितना मैं ट्रॉमा से गुजरी, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए आज खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको जॉब दी जाए, मैं जैसे खुद एक जॉब होल्डर थी, मुझे जॉब दी गई, लेकिन बदकिस्मती से वो जॉब छीन ली गई चंद एक ट्रांसफोबिक लोगों की वजह से। ट्रांसफोबिया पाकिस्तान में फैला हुआ है, मैं उसको कम करने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज देने के लिए हमारी ट्रांस कम्युनिटी का ही आई। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है कि आप हकूक की जंग लड़ रही हैं, लेकिन सोसाइटी में भी मुश्किलात होती है, घर में भी मुश्किलात होती है, जिंदगी का एक हिस्सा होता है जिसमें पार्टनर की जरूरत होती है, क्या इस चीज़ की कोई कमी वगैरह महसूस होती है या कोई ख्वाहिश हो? जाहिर सी बात है, ख्वाहिश किसके दिल में नहीं होती, इंसान है हम भी, लेकिन हमारी खुशियाँ यही होती है कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी के साथ हमारा रहना, हमारे गुरु, हमारे बाकी ट्रांस सिस्टर्स जो हैं उनके साथ हमारी लगन, हम लोग अपना दिल लगा लेते हैं कि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, अल्लाह ताला के साथ दिल लगा हुआ होता है, नमाज से काम किया जाता है और नाचने गाने की तरफ से भी जो है हमारी कम्युनिटी में काम लेती है, लेकिन मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाइज्जत शहरी की तरह एक जॉब होल्डर की तरह एक बाइज्जत कमाई के साथ, हलाल कमाई के साथ गुजारा किया जाए, मैं उसकी गाई हूँ। फैमिली के साथ रहती है? मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ, लेकिन मैं अपनी मोस्टली ज़्यादा टाइम जो है अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, आज इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, आप बता रहे हैं कि फैमिली के साथ रहती हैं, लेकिन हम बहुत सी चीज़ें ऐसे भी सुनते आ रहे हैं कि जहाँ पर कोई ख्वाजासरा पैदा होता है, गुरु पहुँच जाता है, गुरु को पता लग जाता है, क्या ये कहानियाँ सच्ची हैं? क्योंकि आपकी भी जिंदगी में ऐसा हुआ था कि आप पैदा हुई, गुरु पहुँच गए? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये पुराने दौर से, अब ऐसा नहीं होता। लोग बड़े बादशाह हैं, मेरे घर वालों के बड़ा बहुत लोग बादशाह हैं, वो हो चुके हैं, और जिस तरह से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये तो कोई भी इसके साथ पैदा हो सकता है, मैं ऐसे डिसऑर्डर नहीं समझती। मैं समझती हूँ ये आम इंसानों की तरह ही इंसान है, मेरी मोहब्बत भी इतने ही हकदार है जितने आम बच्चा बच्ची हुए, तो मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। और अब आने वाला जो दौर है उसमें आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ट्रांस कम्युनिटी मोस्टली अपने घर जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश जो आप समझते हैं को मिल जाए, पूरी हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अपने जो है इन ट्रांस कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मुझे लिखा जाए तारीख, मुझे याद जरूर करे कि हाँ, हमारे लिए कुछ किया गया। अपना नाम बता? मेरा नाम हानिया भट्ट है। ठीक है, थैंक यू।